गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास सेवन हम आज पढ़ेंगे लेसन नंबर थ्री ज्योग्राफी में डेन्यूटेशन यानी कि अनाच्छादन। अनाच्छादन की प्रक्रिया कैसे होती है आज हम इसके फोर्सेस के बारे में जानेंगे। आपने अपने घर के आसपास खेत खलियान बस्तियां आदि सब जमीन देखी होगी। यह प्राय बहुत ऊंची नीची होती है। आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी की सतह समान नहीं है, इस पर कहीं विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो कहीं गहरी घाटियां हैं, तो कहीं पठार है तो कहीं मैदान। ऐसा क्यों है, आइए हम अब इसे जानेंगे। पृथ्वी के धरातल पर दो प्रकार की शक्तियां काम करती हैं, है ना, फोर्सेस, दो प्रकार की फोर्सेस, एक इंटरनल होती है एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल फोर्सेस एक शक्ति धरातल के अंदर कार्य करती है जिन्हें हम इंटरनल फोर्सेस कहते हैं यानी कि आंतरिक शक्तियाँ कहते हैं, और दूसरी शक्तियाँ धरातल के ऊपरी भाग में कार्य करती है जिन्हें हम एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं यानी कि बाह्य शक्तियाँ कहते हैं। भूपटल पर ही इन्हीं दोनों शक्तियों के कारण ही परिवर्तन होते हैं। आंतरिक शक्तियाँ पर्वत पठार आदि भूदृश्य उत्पन्न करती हैं, जबकि बाह्य शक्तियाँ जैसे प्रवाहित जल है, नदियाँ हैं, हिमानी हैं, पवन और समुद्र की लहरें इसे काटकर समतल बनाती हैं। पृथ्वी की बाह्य शक्तियों द्वारा भूपटल के ऊपर तोड़फोड़ और काटछाट की जाती है, जिससे टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा करने की क्रिया को डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन के अंतर्गत अपक्षय और अपरदन यानी कि वेदरिंग, आपके वेदरिंग की प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। ऊंचे भाग को अपक्षय और अपरदन क्रिया द्वारा समतल मैदान में बदलने की क्रिया होती रहती है हमेशा। कल हम इनके बारे में, अपक्षय और अपरदन के बारे में जानेंगे।